हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कॉमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और टॉपिक चल रहा है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और उसमें फर्दर टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। तो अब तक अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स का बेसिक हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उस पर सोल्व कर चुके हैं। होपफुली अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड का बेसिक प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर करते हैं और इस प्रॉब्लम की एक खास बात यह है कि इसमें केस ऑफ फेलियर भी हैंडल करना पड़ेगा हमें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स सोल्व d2y/dx2 + y = 2 cos x। तो यह पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आ चुका है वीटीयू वैल्यू में ईयर 2015 और ईयर 2000 में। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर जो होता है वो आता है CF प्लस PI। तो आपको एक CF निकालना है, एक PI निकालना। तो CF के लिए वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आप डे 1 से निकाल रहे हैं। द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx2 + y = 2 cos x। सबसे पहला काम क्या होता है, हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डबल डेरिवेटिव हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d स्क्वायर से। तो d2y + y = 2 cos x। तो d2 + 1 y = 2 cos x। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ से एफ डी पिक करते हैं तो दैट इज d2 + 1। उसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे तो आपको पता है पुट f(m = 0)। तो m2 + 1 = 0। m2 की वैल्यू -1 आएगी, m की वैल्यू ± आएगी। अब मैं एक्स्ट्रा टाइम इस पर नहीं लगाना चाहता क्योंकि हम सी एफ पे NF बातें कर चुके हैं। तो आप उन्हें ध्यान से अगर देखें तो m की जो वैल्यू है वो इमेजनरी है और डिस्ट्रिक्ट है। तो जब भी आपको पता है m की वैल्यू इमेजनरी आती है तो सी एफ जो होता है वो कोसाइन के एंगल में लिखा जाता है। रियल हो तो e की पावर में और इमेजनरी हो तो कोसाइन के एंगल में। तो यह क्या आया, c1 कोस यहाँ 1 है तो कोस 1x प्लस c2 साइन 1x। क्लियर हो गया। होपफुली CF पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं होगी। नाउ बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। तो जो मेथड का फर्क पड़ता है, चाहे वो डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड है या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है या मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट है, उसका फर्क पड़ता है पीआई में। हम बाकी दो मेथड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम पीआई को निकालेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट से। तो आपको पता है यहाँ आपको क्या मानना पड़ता है, ट्रायल सॉल्यूशन। तो ट्रायल सॉल्यूशन के बारे में हम एनफ बात कर चुके हैं। तो अब एक बार फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन में हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड मैच करती है टाइप 3 से। तो जो भी राइट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड में साइन या कोस है तो ट्रायल सॉल्यूशन में साइन भी आएगा और कोस भी आएगा और साथ में एक्स्ट्रा एक कॉन्स्टेंट अलॉट करेंगे। तो यही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरी, 2 cos x। तो cos x है मेनली, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में पड़ा है। तो जब भी राइट हैंड साइड में cos हो तो आंसर में cos भी आएगा और साइन भी आएगा। ये फिक्स है, cos भी लेना है साइन भी लेना और हद मार के उनके साथ क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यही मैंने बताया था इस पर्टिकुलर टाइप में कि आपका ट्रायल सोल्यूशन में साइन और cos दोनों आएंगे, हद मार के उनके साथ एक कांस्टेंट आएंगे। अब हम ट्रायल सॉल्यूशन हमारा मान चुके हैं। अब ट्रायल सॉल्यूशन से आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि ट्रायल सॉल्यूशन में एक चेक लगाना पड़ता है कि फ्यूचर में केस ऑफ फेलियर ना आए। तो क्या चेक होता है कि बताया था मैंने, मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूं कि ट्रायल सॉल्यूशन की, ये मैं PYP मान लो चाहे यहाँ, कि ट्रायल सॉल्यूशन की कोई भी टर्म CF की किसी भी टर्म से मैच नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस टर्म को उठाएं, कॉन्स्टेंट मैटर नहीं करता, टर्म है यहाँ कोसाइन टर्म है, तो कोसाइन कोस किसी भी टर्म में कोस नहीं होना चाहिए CF की। ठीक है, अगर CF की किसी भी टर्म में कोस होगा तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो कोस को उठाया तो यहाँ भी कोस की टर्म है और यहाँ भी कोस की टर्म है। तो आपके ट्रायल सॉल्यूशन की फर्स्ट टर्म CF की किसी ना किसी टर्म से मैच हो रही है। तो जब भी आपके ट्रायल सॉल्यूशन की कोई भी टर्म CF के किसी ना किसी टर्म से मैच होगी तो आप उस टर्म को, ट्रायल सॉल्यूशन की उस टर्म को कम से कम पावर्स ऑफ एक्स अलॉट करेंगे सो दैट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द CF। क्योंकि CF एक प्रोसीजर के थ्रू निकला है तो आप CF को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रायल सॉल्यूशन को आप थोड़ा बहुत ठीक कर सकते। तो मैंने क्या बोला, ट्रायल सॉल्यूशन की कोई भी टर्म अगर सीएफ की किसी भी टर्म से मैच करती है तो ट्रायल सॉल्यूशन को कम से कम एक्स से मल्टीप्लाई करो सो दैट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सीएफ। तो मैं एक एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, कोस एक्स को। तो जैसे ही मैंने कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब देखो नई टर्म है एक्स कोस एक्स, ए कॉन्स्टेंट है उसको कोई मैटर नहीं करता, तो नई टर्म है एक्स कोस एक्स। अब ये सीएफ की किसी टर्म से मैच करती है? नहीं करती। तो आपने कम से कम उतने एक्स उसको देने हैं कि वो सीएफ से डिफरेंशिएट हो जाए। प्लस बी एज इट इज साइन, अब सेकेंड टर्म को उठाएंगे, ध्यान रखना दिक्कत सिर्फ इसको थी तो मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया। अब साइन को उठाया, साइन इससे मैच नहीं करती, दैट्स गुड, बट साइन इससे मैच करती है। तो अगेन इस पे सेम फंडा कि अब ट्रायल सॉल्यूशन की इस टर्म को कम से कम इतने एक्स देंगे कि ये सीएफ से डिफरेंशिएट हो जाए या सीएफ से डिफरेंट हो जाए। तो मैंने एक एक्स से काम चल गया आपका। अब आप ट्रायल सॉल्यूशन है ये, तब ये किस लिए किया था ये काम, टू अवॉइड केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि भाई फ्यूचर में केस ऑफ फेलियर आए नहीं। अब ध्यान से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा, ये टर्म है एक्स कोस एक्स की, तो एक्स कोस एक्स की कोई टर्म नहीं पड़ी सीएफ में। ये टर्म है एक्स साइन एक्स की, तो कोई टर्म एक्स साइन एक्स की नहीं पड़ी। तो इसका मतलब नाउ यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रायल सॉल्यूशन। तो ये है आप फर्दर कैरी करना। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने फर्स्ट टाइम एज्यूम किया उसी को आपने कैरी करना है, उसकी हर टर्म को सीएफ की वन बाय वन हर टर्म से मैच करना है। अगर वो किसी भी टर्म से मैच हो जाता है तो कम से कम उसको उतने एक्स देने हैं जिससे वो अलग बन जाए, सीएफ की किसी भी टर्म से मैच ना करे। क्लियर हो गया, होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नाउ आप क्रॉस चेक कर चुके हैं, सिंस इक्वेशन टू इज trial solution of equation 1, so it must satisfy equation 1। तो जो भी आपका ट्रायल सॉल्यूशन है ये हमेशा इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। तो डी स्केयर एज इट इज अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज ए एक्स कोस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स प्लस प्लस वाई, वाई का मतलब ए एक्स कोस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। लो जी, ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी ट्रायल सॉल्यूशन की वैल्यू थी यानी y की वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और थोड़ी देर बाद कोएफिशिएंट कंपेयर करना है हमने, ठीक है, करते हैं। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो पहले मैं सिंगल वन बाय वन करता हूं, तो एक डेरिवेटिव मैं खोल लेता हूं, एक डेरिवेटिव बाहर पड़े रहने दें। तो आपको पता है ये एक्स कोस एक्स ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ए एज इट इज एक्स एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो ए कोस एक्स। होपफुली का डाउट नहीं होगा। प्लस बी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो ये सिंगल डेरिवेटिव कर लिया। प्लस ए एक्स कोस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स एज इट इज इक्वल टू 2 cos x। अब दोबारा एक बार डेरिवेटिव और फर्दर खोल लेते हैं इसका, तो माइनस ए एज इट इज एक्स साइन एक्स का कोस एक्स आएगा और एक्स का 1 आएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। प्लस ए कोस एक्स का साइन एक्स आता है तो माइनस ए साइन एक्स। अब बी एज इट इज एक्स कोस एक्स का माइनस एक्स साइन एक्स आएगा प्लस कोस एक्स आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाया और कुछ नहीं किया, और साइन एक्स का बी कोस एक्स आएगा। थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया बट ऐसा नहीं कि भाई आप कर नहीं सकते। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यह आया माइनस ए एक्स कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, मैं पूरा खोल रहा हूं, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी एक्स साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस ए एक्स कोस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कोस एक्स। तो मैंने सिंपली ब्रैकेट खोल दी, सारे टर्म्स अलग अलग रख दिए। अब देखते हैं कुछ कुछ कैंसिल होता क्या। यह है माइनस ए एक्स कोस एक्स और यह है प्लस ए एक्स कोस एक्स, तो कट गया। और यह है माइनस बी एक्स साइन एक्स और यह है प्लस बी एक्स साइन एक्स, तो यह भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ठीक है, गुड। तो मेरे पास बचा कोस के टर्म पहले लिख लेते हैं, चलो 2b कोस एक्स और ये साइन के बाद में लिख लेते हैं माइनस 2a साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कोस एक्स। अब ध्यान से देखो, हो गया, काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, जब तक सिंप्लीफाई नहीं होता करते रहना है और लास्टली कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं दोनों तरफ। तो नाउ बाय कंपेयरिंग, आपको पता है दोनों तरफ कोस या साइन की टर्म्स हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, सॉरी कोसाइन ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो पहले साइन के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। लेफ्ट में साइन का कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो, माइनस 2a, और राइट में साइन का कोफिशिएंट कितना है, राइट में साइन की कोई टर्म नहीं है तो राइट में साइन का कोफिशिएंट हो गया 0। सिमिलरली लेफ्ट में कोस का कोफिशिएंट कितना है 2b और राइट हैंड साइड में कोस का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 1 और यहां से a की वैल्यू आ गई 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो मेरा yp आया, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो मेरा yp आया, इक्वेशन नंबर 2 ये है, a है 0 x कोस x प्लस b है 1 x साइन x, ठीक है। तो ये 0 हो गया और बचा कितना है x साइन x, तो ये है y का पर्टिकुलर पार्ट। लो जी, तो जितना भी आया हमने कुछ अलग नहीं करना। नाउ as we know that complete, अब pi निकल चुका है और cf भी निकल चुका है, complete solution of equation 1 is written as, तो क्या होता है complete solution, y is equal to cf plus pi। cf कितना आया था, c1 cos x प्लस c2 साइन एक्स और पीआई कितना आया x साइन एक्स। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो आप किसी भी तरीके से निकाल दे, यानी कोई भी मेथड यूज करेंगे, चाहे डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड यूज करें, चाहे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करें, चाहे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड यूज करें, आंसर सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था, यहां पे ट्रिक मेन थी कि ट्रायल सॉल्यूशन जो आप एज्यूम करते हैं वो आज सच कैरी नहीं करते, कैरी करने से पहले उसकी हर टर्म को 1 by 1 CF से मैच करते हैं। अगर कोई भी टर्म पूरी की नहीं बात कर रहा, कोई भी टर्म CF की किसी भी टर्म से मैच होती है तो उस टर्म को कम से कम उतने X दे दो जिससे वो CF की टर्म से अलग हो जाए, तो X हो गया। फिर साइन को चेक किया, उसको भी X देना पड़ा। अब ऐसा नहीं कि भी इसकी ये फाइनल है, इसके बाद दोबारा इसको चेक करो, तो अब यानी ऐसा नहीं कि एक बार X दे दिया तो काम खत्म हो गया, तो बार बार भी एक्स देना पड़ सकता है, तो बार बार भी केस ऑफ फेलियर आ सकता है, तो बार बार दोबारा चेक करना लास्टली। तो जब फाइनली चेक हो जाए, देखो एक्स कोस एक्स किसी भी टर्म से मैच नहीं करता, एक्स साइन एक्स किसी भी टर्म से मैच नहीं करता। तो नाउ इट इज फाइनल कि ये मेरा ट्रायल सॉल्यूशन है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्र। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है वीटीयू वेलोरा में ईयर 2008 में। तो आपको शुरू के स्टेप्स आपको पता है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया, वहां से एफ डी निकाला, एक्सिलरी इक्वेशन बनाई, वहां से एफ ऑफ एम को जीरो पुट किया, एम की जो वैल्यूज आई वो आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो एम की वैल्यू है या वो आई है 1 और 2। तो ये रियल वैल्यूज हैं और अलग अलग है। तो आपको पता है जब भी एम की वैल्यू रियल आती हैं तो आप सी एफ जो लिखते हैं वो ई की पावर में लिखते हैं। तो c1 ई की पावर एक्स प्लस c2 ई की पावर 2x। होपफुली सी एफ पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पी आई पार्ट, दैट इज द ट्रायल सॉल्यूशन। तो आज हमें पता है बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स हम एक ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, किसको देख के, राइट हैंड साइड को देख के। तो मैंने बताया था राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म है तो उसी को देखेंगे। तो मैंने बताया था जब भी अल्जेब्रिक टर्म आए तो वो जैसे एक्स क्यूब था तो वो और उससे सारी लोअर पावर सारी लेनी है आपने। तो अगर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर हो तो हमें एक्स स्क्वायर भी लेना है, एक्स भी लेना है और कॉन्स्टेंट भी लेना है, यानी एक्स की पावर 0 भी लेनी है। ओके, और ऐसा नहीं है कि भाई एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की रेस्ट पावर 0 अकेले आएंगे, उनके साथ कुछ कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आ गया वाई पी। अब हम ट्रायल सॉल्यूशन एज्यूम कर चुके हैं राइट हैंड साइड को देख के। तो बट ऐसा नहीं है कि इस ट्रायल सॉल्यूशन को एज सच कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मैंने बताया था ट्रायल सॉल्यूशन को एज सच कैरी फॉरवर्ड करने से पहले हम उस पर क्रॉस चेक लगाते हैं कि इसकी कोई भी टर्म सी एफ की किसी भी टर्म से मैच तो नहीं करती। तो अब अगर ध्यान से देखें ट्रायल सॉल्यूशन की फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है आपकी सी एफ में, तो ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एक्स कोई भी टर्म एक्स नहीं है, यानी एक्स की टर्म कोई भी नहीं है सी एफ में। ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म है। नेक्स्ट है कांस्टेंट, तो कोई भी टर्म कांस्टेंट भी नहीं है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल की टर्म है। तो ट्रायल सॉल्यूशन की कोई भी टर्म सी एफ की किसी भी टर्म से मैच नहीं करती, तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करते हैं, सिंस इक्वेशन 2 इज द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो करे पुट, तो ये आया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 3d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 2y, वाई की वैल्यू है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी और इजल टू राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्र। ठीक है, अब करते हैं सिंप्लीफाई। अब ये डबल डेरिवेटिव है, एक टाइम पे मैं एक ही डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो एक डेरिवेटिव बाहर रखा है, एक को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, तो 2ax, एक्स का डेरिवेटिव 1b और c का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 एज इट इज, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो 2ax आएगा प्लस b आएगा प्लस 0 आएगा प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c, मैंने 2 से मल्टीप्लाई खोल लिया। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, अब से एक डेरिवेटिव और करना है इसका, दोबारा करेंगे तो x का आएगा 1, तो ये बचेगा 2a, b का आएगा, b कॉन्स्टेंट है इस टाइम 0 और c तो 0 था ही, माइनस इसकी मल्टीप्लाई खोल लो 6ax माइनस 3b, ठीक है, प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जितनी भी एक्स स्क्वायर टर्म है उनको अलग करो, एक्स की टर्म्स को अलग करो और कांस्टेंट टर्म्स को अलग करो। तो एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है 2ax स्क्वायर, उसको अलग कर लिया। एक्स की टर्म्स देखो, एक ये है और एक ये है, तो मैं x कॉमन ले रहा हूं उनमें से, तो प्लस 2b माइनस 6ax, दोनों में से x कॉमन लिया, ये 2b बचा माइनस 6a बचा। अब कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लो, तो कॉन्स्टेंट है 2a माइनस 3b प्लस 2c, 2a माइनस 3b प्लस 2c बराबर है x स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी तरह की टर्म्स थी उनको सबको इकट्ठा कर लिया और राइट हैंड में तो जो भी टर्म्स थी वो ऑलरेडी अलग अलग थी. नाउ by comparing coefficients of x square, लेफ्ट हैंड साइड में x की टर्म है, x की है और कांस्टेंट है, x एंड कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स वी गेट. करेक्ट. तो लेफ्ट हैंड साइड में x का ऑप्शन कितना है 2a और राइट हैंड में एक्स के ऑप्शन कितना है 1. तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 1/2. लो जी ये तो आ गया ए. उसके बाद एक्स का ऑप्शन कंपेयर करो तो एक्स का ऑप्शन लेफ्ट में कितना है 2b - 6a और राइट हैंड में एक्स का ऑप्शन कितना है, नहीं है कोई, 0. ठीक है. तो मुझे बी और ए की में एक इक्वेशन आ गई, ए की वैल्यू मुझे पता है, मैं पुट कर देता हूं 2b - 6 1/2 = 0. तो 2b - 3 = 0 और b आएगा 3/2. लो जी ओके. अब कांस्टेंट का ऑप्शन कंपेयर करें तो लेफ्ट में कांस्टेंट है 2a - 3b + 2c और राइट हैंड में कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है 0. तो a की वैल्यू मुझे पता है 1/2, b की वैल्यू मुझे पता है 3/2 प्लस 2c = 0. यह है 1 - 9/2 प्लस 2c = 0. ये बचेगा -7/2 प्लस 2c = 0. तो c की वैल्यू आएगी बच्चे 7/4. वो आप देख सकते हैं, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा. तो ठीक है, तो यहाँ a ही था तो a की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई. इसमें a और b दोनों थे तो a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू निकल गई. इसमें इस रिलेशन में a b c तीनों थे तो a और b की वैल्यू मेरे पास है, पुट कर दिया तो वहां से किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी. तो अब a b c आ चुका है. नाउ पुट the values of a, b and c in equation number 2. तो equation number 2 में आप पुट करेंगे, ये रही equation number 2. तो आपका yp आएगा a कितना है 1/2 x² प्लस 3/2 x प्लस 7/4. तो यह है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई. तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन. तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आता है, y = CF + PI. तो CF आया था C1 e⁻⁴x प्लस C2 e⁻²x और PI कितना आया 1/2 x² प्लस 3/2 x प्लस 7/4. तो ये मेरा आंसर है. तो थोड़ा कंजस्टेड हो गया तो प्लीज डू केयर अबाउट इट. तो कुछ अलग नहीं किया, आगे ट्रायल सॉल्यूशन माना, उसकी ट्रायल सॉल्यूशन की कोई भी टर्म सीएफ की किसी भी टर्म से मैच नहीं करती. तो फिर उसके बाद ट्रायल सॉल्यूशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे. उसके बाद कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए, x² का, x का और कांस्टेंट टर्म का. x² का ऑप्शन लेफ्ट में 2a है, राइट में 1 है तो a की वैल्यू आ गई. x का ऑप्शन लेफ्ट में 2b - 6a है, राइट में कोई नहीं है तो 0. तो जब a की वैल्यू पुट कर दी तो वहां से b की वैल्यू आ गई. इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 2a - 3b + 2c और राइट में कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो 0. तो और a और b की वैल्यू पुट की तो c की वैल्यू आ गई. तो a b c आ गया तो आपका pi आ गया, pi पता है, cf निकल ही चुका था तो CF + PI आपका टोटल सॉल्यूशन आ गया या कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया. दैट्स हाउ आपको ये क्वेश्चन प्रोसीड करना है. अब दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सिंप्लीफाई करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो दैट यू विल गेट ना मोर गुड आइडिया अबाउट इट. ओके, थैंक यू.